ये कलयुग है, यहां कृष्णा आके नहीं बचाने वाले, तुझे अपना बचाव खुद करना होगा, क्योंकि यहां कृष्णा नहीं आने वाले। जन्माष्टमी के दिन ऐसी कुछ न्यूज मैं देखूंगी इसकी उम्मीद भी नहीं था। कुमार घाट में एक लड़की को झुंड मिलके, पूरी झुंड मिलके, मर्दों की झुंड मिलके मारा पीटा जा रहा है। ऑलवेज कोई भी सिचुएशन हो, एक औरत के शरीर को ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है? आपके पास और कोई औजार नहीं है? हर जगह पे हम ही हैं, बस हम औरतें ही मिलते हैं आपको। सड़क पे गुस्सा आया तो जानवर की तरह एक औरत के ऊपर हाथ उठाओ। एक शॉर्ट से एक बंदा है, जंप कर करके मार रहा था। इंसानी बेस में जानवर, इंसान से ज्यादा भयानक जीव इस दुनिया में और कोई नहीं है। क्योंकि दूसरी जीवों का तो हमें पता है कौन सा वाला खतरनाक है, कौन सा वाला जहरीला है, कौन किसके पास हमें नहीं जाना चाहिए। पर इंसान सभी दिखते एक जैसे हैं, पर किसी किसी के अंदर ना जहरीला जो जानवर होता है ना, वो बसा हुआ होता है। इंसानी नहीं है वो, एक्चुअली इंसानी शरीर में जानवर ही है, फुल ऑन जानवर, जंगली जानवर। वरना चाहे गलती किसी की भी हो, किसी की भी हो, किसी भी औरत पे हाथ उठाना, पूरी आपकी इंसानियत जब तक नहीं मर जाता ना, आपके अंदर कुछ भी ना बचाओ, तब तक आप किसी औरत के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। आपके अंदर की पूरी इंसानियत जब मर जाता है ना, तब आप किसी को, किसी के ऊपर, किसी औरत के ऊपर हाथ उठा सकते हो। माँ की कोई जात नहीं होती, माँ की कोई धर्म नहीं होता, माँ माँ होती है सभी की, सब इसलिए माँ को माँ ही बोलते हैं। ये बहुत ही दुखद है कि समाज में ऐसे विकृत मानसिकता के इंसान भी हमारे बीच है। आप और हम में से ही कोई और एक है जानवर, हम पहचान नहीं पाते। बस अभी भी हमारे देश में कानून है, प्रशासन है, मुझे नहीं लगता इसमें से किसी को भी अपने हाथों में कानून को लेना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आता जो पास में जंप मार मार के हाथ उठा रहे थे, क्या लगता है बड़ी मर्दांगी दिखा रहे थे आप? आप दुनिया की सबसे बड़े नामर्द हो, सबसे बड़े नामर्द हो, क्योंकि आपको एक औरत पे हाथ उठाने की जरूरत पड़ रही है। आओ हम औरतों के पास से कुछ चूड़ियां लेके जाओ, पहन लो, शायद आपके हाथों पे ज्यादा जचेंगे। घर पे छम 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 करके घूमना, औरतों पे जो हाथ उठाते हो, छम छम तो करना तो जरूरी है, हम छम छम नहीं करते, आप ही छम छम करके बजो अभी घर पे। और वहां पे कुछ झुंड खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे, क्या देख रहे थे यार? मजा आ रहा है, एक औरत पीट रही है, मजा ले रहे थे, अच्छा लगा। आप वही औरत, आपकी घर की कोई औरत होती तो, आपकी बेटी होती, आपकी बहू होती तो, आपकी बीवी होती तो, ऐसे ही खड़े होके हाथ ताली बजा के देखते? हाँ, खून खौल उठता तब, ऐसे कैसे मेरे घर की औरतों पे हाथ उठाया है ना। अक्सर जो चुप्पी धर के खड़े रहते हैं ना, वो भी गलत होते हैं। वहां पे जितने भी लोग खड़े होके तमाशा देख रहे थे ना, हर एक बंदा दोषी है, हर एक बंदा। अगर कोई गलत है तो कानून है, आप कानून के हाथों से सौंप देते हैं। बहते हुए गंगा में आपको हाथ धोने की क्या जरूरत थी, मारपीट करने की क्या जरूरत थी? मुझे ये समझ में नहीं आता लोग इतना हिंस्र कैसे हो जाते हैं, इतना पिशाच जैसे कैसे व्यवहार करते हैं। अरे हर एक बंदे की माँ है यार, ऐसा कोई नहीं है जो बिना माँ के पैदा हुआ है, हर एक बंदे की माँ है। एक नारी पे हाथ उठाया जा रहा है, पता नहीं वहां पे खड़े खड़े बर्दाश्त कैसे कर रहे थे आप लोग। मैंने तो वीडियो जब देखा ना, ऐसा लग रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, होना नहीं चाहिए, बहुत गलत हो रहा है। मैं बस अपनी स्टेट की कानून व्यवस्था से ये उम्मीद रखती हूं कि वो लोग इसकी सही से न्याय करेंगे और जो भी दोषी है उनको सजा जरूर मिलेगी।